आगे बढ़ते हैं। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि हुक्मरान मुल्क को मुआशी गुलामी की जानब धकेल रहे हैं, हम दुनिया में भिखारी बन चुके हैं। एहसन इकबाल की हुकूमत पर वार, बीमारियों पर सियासत करने का इल्ज़ाम, बोले नैब के केस अपोजिशन को दबाने का बहाना है। वुज़रा पर तरक्याती मनसूबे तबाह कर रहे हैं, BRT मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये हमें उस मुआशी गुलामी पे ले जाना चाहती है हुकूमत, उस एजेंडे पर काम कर रही है जिसमें पाकिस्तान के हाथ और पैर बांध के फिर हम पर शर्तें आएंगी कि अपना एटमी प्रोग्राम फ्रीज करो, अपना मिसाइल प्रोग्राम फ्रीज करो, फिर आपको इकोनॉमिक बेल आउट मिलेगा। ये उस तरफ हमें धकेल रहे हैं। आज दुनिया का हर मुल्क हमसे आंखें चुरा रहा है कि पता नहीं ये कितना बड़ा कशकोल हमारे आगे फैला देंगे, हमें ये कर्जे के लिए फरमाइश डाल देंगे। हम एक भीख भिखारी बन चुके हैं दुनिया में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बीमारियों के ऊपर सियासत कर रही है। वो हुकूमत जिसने खुद अपनी तसल्ली करके कि वो बीमार हैं, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, अब उसके वजीर आजम, उसके वजीर उनकी बीमारी को मजाक बनाएं, उनकी बीमारी पे सियासत करें, ये बदतरीन सियासत की मिसाल है। नैब के केस तो बहाना है, अपोजिशन को असल में दबाना है, ये एजेंडा है जिसके ऊपर ये खेल चल रहा है। BRT का मंसूबा पाकिस्तान के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मजाल है कि नैब की आंख उधर उठ जाए।